किसी के पास I-20 है ना, जहाँ कोई लेने के प्लान कर रहा है, तो भाई मैं एक बात बताता हूँ, मत लेना। चार पैसे खर्च के ना आप पंच ले लो। गाइस जम्मू में कुछ ये अमेज ना ज्यादा ही टैक्सी बन गई जब से इस बंदे ने लिया ना अमेज। भाई ऐसा है कुछ नजारा, ये रहा स्विमिंग पूल, वाटरफॉल देखना, ये देखो वाटरफॉल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई आज वीडियो आ रही है बड़े दिनों बाद। आज हम जा रहे हैं भाई घूमने नहीं भाई, जम्मू में हो रही है बहुत तेज गर्मी भाई, बहुत ज्यादा तेज भाई। तीन चार दिन से ना बारिश तो हो ही नहीं रही, तो सोच रहे यार कहीं नहाने वाने चले, थोड़ा चिल करें यार। मतलब एसी से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, तो आज सोचे चाहे यार कहीं, मतलब बिल्कुल ही अंदर बैठ बैठ के बुरी हालत हो गई। तो अभी हम जा रहे हैं एक स्विमिंग पूल, यहाँ पे नया बना हुआ है, पैंथल जगह का नाम है, वहाँ पे ना एक बड़ा तगड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ है भाई। ठंडा पानी एकदम पहाड़ों से आ रहा है और बहुत जबरदस्त लोकेशन है, तो उसी को एक्सप्लोर करेंगे और मैं बताऊंगा कि यार आप कैसे आ सकते हो वहाँ पे। बड़ी मस्त जगह है यार, मतलब इतने स्विमिंग पूल है लेकिन सब में अभी बहुत भीड़ हो गई है, वो अभी जस्ट नया नया खुला है तो उसमें भीड़ अभी तो नहीं है, तो एक्सप्लोर करते हैं और बहुत मजा आने वाला है। तो फिलहाल अभी हम रुके हैं भाई एक ब्रेक के लिए, यहाँ पे खाना शाना खाएंगे, मतलब कलाड़ी और चाय पीते हैं। हमारे साथ तीन चार लड़के और भी, वो पहले पहुँच गए भाई, उनको ज़्यादा भूख लगी है, मैं जस्ट खाना पीना खा के आया था तो मेरे को इतनी भूख तो नहीं है, तो चलो कलाड़ी खाते हैं। मैं उधर की आपको स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ कलाड़ी, सो लेट्स गो गाइस। कौन सा मोड ये जा रहा है भाई? क्लाउड कैंप, क्लाउड कैफे जंगल गली के वो रास्ता, और ये जा रहा है कटरा को रास्ता, और यहाँ पे हमारी लगी है गाड़ी और यहाँ पे रुके गाइस हम। तो अंदर बैठे भाई दोस्त कलाड़ी वाड़ी खा रहे हैं और बस खाते हैं हम भी फिर निकलते हैं। और ये भाई फिल्म का पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, तो भाई कलाड़ी अभी आई नहीं है, और ये हमारे कुछ भाई बंधु बैठे हुए हैं, तो चलो। ए हेलो गाइस, इस बंदे की वजह से आया हूँ भाई, इसको बड़ी गर्मी लग रही थी, ड्रम में घुस रहा था, क्लिप मैं ऐड कर दूंगा। भैया ये आए उसके साथ चटनी, मिर्च किस और प्याज, और साथ में हमारे आया कलाड़ी। भाई जो जम्मू से बाहर से देख रहा है पता होगा भाई, ये हमारा लोकल चीज़ है यहाँ का, बहुत मज़ेदार है भाई। जब भी अगर जम्मू आए तो भाई खा के जरूर देखना, स्वाद आ जाएगा आपको। तो चलो हम करते हैं इसको एंजॉय, फिर मिलता है आपको स्विमिंग पूल। क्या क्या बदतमीजी है यार, ये देखो एक बार, रॉन्ग साइड चल रहे हैं। तो भाई हम पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, मजा आने वाला भाई, कंट्रोल नहीं हो रहा नहाने को। और आजकल गाइस जम्मू में कुछ ये अमेज ना ज्यादा ही टैक्सी बन गई जब से इस बंदे ने लिया ना अमेज, भाई उस दिन से ना मेरी टैक्सी पे बन गई है। मैं इसको बोल रहा हूँ तू भी बना दे भाई पैसे कमा चार, फिर बड़ी गाड़ी लेता हॉन्डा सिटी। और भाई मैं बता रहा हूँ, अगर किसी के पास I-20 है ना, जहाँ कोई लेने के प्लान कर रहा है, तो भाई मैं एक बात बताता हूँ, मत लेना। चार पैसे खर्च के ना आप पंच ले लो। भाई चढ़ती नहीं है, ये मैंने चौथा गियर तीसरा डाला, फुल रेस है और गाड़ी 40 पे कर गई पॉटी, चढ़ नहीं रही भाई। मतलब एसी के साथ तो भाई इतनी गंदी परफॉर्मेंस है ना इसकी, मैं पंडी नहीं कर रहा इसकी, लेकिन भाई जो है सो है। सो फिर मैं मिलता हूँ आपके पास आगे। कुछ गया देवी पिंडी के रूट से, ये जा रहा है कटरा का रास्ता, ये जा रहा है भाई देवी पिंडी को, बस इसी रास्ते से जाना है आपने नए स्विमिंग पूल के रास्ते। भाई रास्ते की हालत तो थोड़ी खतरा थी, आज हमने बहुत ऑफ रोडिंग करी अपनी I-20 के साथ। भाई चल ले, पहले फिर करना ही पड़ेगा, देखो भाई क्या चढ़ाई है, लेकिन पहले फिर ही चढ़ी भाई, इतनी बुरी हालत है इस गाड़ी की। ठीक है बाकी आप प्लान कर लो, बड़ी अच्छी गाड़ी है। अगर आप ठंडे स्वभाव वाले बंदे हो ना, मैं बोल रहा हूँ ये गाड़ी आप ही के लिए है, दूसरी कोई गाड़ी नहीं देखना। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं, अगर चार बंदे बैठे हैं तो इसी बंद ना करना पड़े, तो फिर दूसरी देख लो यार कोई ही। ये नहीं अच्छी, बेकार है हमारे, इनिशियल तो इसमें है ही नहीं। इधर क्या संख्या बन गई भाई, इधर क्या चक्कर हुआ भैया जी, थोड़ा सा साइड। भाई रोड पक्का हो गया गाइस, लास्ट टाइम जब हम आए थे ना भाई कच्चा था, उस टाइम पे हम लेके आए थे नेक्सॉन, अभी उनको पता हमारे पास I-20 नीचे बेचारी लग जाएगी है ना, तो भाई पक्का कर गया रोड। भाई बात सुनी थी उस टाइम पे, मैंने बोला था नेक्सॉन के टाइम पे कि भाई इस रोड को पक्का कर दो, बढ़ेंगे आपके सब सब्सक्राइबर, बोल रहा हूँ मैं आपकी काम बढ़ जाएगा, तो मेरे को लगता काम बढ़ गया इनका, काफ़ी अच्छा रोड है। और माइलेज देख लो भाई, माइलेज ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं है 15-16 की माइलेज दे देती है, 14 की अभी दे रही है लेकिन दे देती है 15-16 की। पर क्या फायदा यार जब आप किसी से ओवरटेक, ऑल्टो वाले आपको ओवरटेक करके जाएंगे, उसका फायदा नहीं है भाई। हाईवे पे बहुत बुरी हालत है, अगर स्मूथ चल रही है ना एक बार तो फिर तो अच्छी पकड़ती है, लेकिन अगर बीच में अगर आपने ब्रेक लगा दी फिर खींचनी हो तो भाई बड़ी बुरी हालत करती है यार, सीरियसली। चुका है ये जा रहा है देवी पिंडी का रास्ता, ये रहा भाई स्विमिंग पूल, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ, तो चलो आपको दर्शन कराते हैं फिर देखते हैं। अच्छा तो चलो चलते हैं, ऐसा है कुछ नजारा, ये रहा स्विमिंग पूल। तो गाइस ये ना थोड़ा पूल गहरा है यार, और हमारे साथ ये पीयूष है, और ये पीयूष ही वही जो सौरव जोशी वाला नहीं है, ये हमारा वाला पीयूष है।
तो भाई ये नहीं नहा सकता यहाँ पे, क्योंकि ये काफी गहरा है और मेरे को भी स्विमिंग इतनी नहीं आती है, और मेरे लिए भी काफी थोड़ा सा है डीप। इसको स्विमिंग आती है, उसको स्विमिंग आती है, लेकिन पता क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं भाई। ऊपर बहुत सारे व्यूज भी हैं और अच्छा ज्यादा मजा आएगा। ठंडा पानी है, पानी भी गंदा है क्योंकि बहुत सारे लोग आए, देखो बहुत सारे लोग ऑलरेडी नहा रहे हैं, तो ना ऐसे मेरे को ना कंफर्टेबल नहीं लग रहा। ऊपर जाते हैं, वहाँ नहाते हैं, और व्यूज के लिए तो वहीं जाना पड़ेगा, तो ऊपर चल के वहाँ नहाते हैं, मजा आएगा वहाँ पे। चलो ऊपर चले, फाइनली भाई उधर से निकल चुके हैं, हम आ गए हैं ग्रीनरी में। देखो भाई क्या ग्रीनरी है इस रास्ते पे, मस्त व्यू है भाई यहाँ का। तो अभी हम जा रहे हैं देवीपिंडी, क्योंकि वहाँ के व्यूज और पानी और भाई जो नीला नीला पानी है ना, और कम भी होता थोड़ा सा, तो उसी व्यू से हम जा रहे हैं अभी देवीपिंडी में। मजा आएगा, वहाँ पे नहाएंगे, जशी मारेंगे, क्योंकि वो जगह कैट है पीयूष के लिए, क्योंकि गहरा कम है ना, तो अगर इधर भेजा रहिए डूब गया तो फिर चक्कर बन जाएगा ना हमको, इसके पापे को क्या बताएंगे हम, तो इसलिए हम जा रहे हैं भाई वहाँ पे। सो व्यू इंजॉय करो भाई, ये ग्रीनरी देखो यार, देखो देखो ग्रीनरी देखो गाइस, क्या देखने आए, ग्रीनरी देखने आए हैं, पहाड़ और ग्रीनरी। बाकी गाड़ी से बाहर निकलने का मन नहीं करता क्योंकि एसी लगा हुआ है बाहर, भाई अंगारे बरस रहे हैं, बट फिर भी हम ऊपर जाएंगे और ऊपर अंगारे नहीं। ओह भैया 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 जी, ये पैदल वाला भैया जी रोड पे खड़े होके फोटो ले रहे हैं भाई, ऐसा रहना इसी पे हार टंगे, थोड़ा ध्यान से भाई। सो कुन्ना नर्सरी, चलो गाइस हम पहुंच चुके हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे व्यू भाई एक नंबर है भाई, कैमरा दिखाई नहीं रहा कुछ, जो मैं देख रहा हूँ ना भाई वो क्या ही व्यू लग रहा है मेरे को कसम से। अगर आप आओगे ना इधर रुकना, फोटो शोटो कराना, अगर आप रील स्टार हो तो रील भी बनाना, कसम से मजा आएगा आपकी रील वायरल है 101%। मैं नहीं बना रहा लेकिन आप जरूर बना सकते हो भाई, क्या ही व्यू है, ऐसे लग रहा है मूवी की शूटिंग चल रही है। यहाँ पे किडनैपिंग होगा, बंदा आएगा नीचे से आपको उठा के लेके जाएगा, नहीं उठाता नहीं है कोई लेकिन यहाँ पे, ठीक है। तो बस इतना ही था, बाकी आगे बना सकते हो गाइस, ऊपर भी बना सकते हो, यहाँ भी बन रही है। देखो गाइस मौसम में तब्दीली आ चुकी है भाई, देखो नजारे, देखो यार नजारे, देखो एक बार देखो भाई नजारे। अच्छा इधर से दिखा रहे हैं यार, एक मेरी गाड़ी पहले गियर के अलावा उठी नहीं थी, इस बिचारी को ना पोलियो हो गया है, ट्यून करानी है गाइस मैंने अभी ये गाड़ी ना। तो देखो भाई नजारे, भाई ऐसा लग रहा है बर्फ पड़ रही है बाहर, लेकिन तो धुंध पड़ी है, ये रात की बारिश हुई ना हमारे यहाँ पे, तो उसी का ये नजारा है। और बाकी गाड़ी की एवरेज देख लो कितनी, 13 पहुंच गई या उधर पहुंचे तक ये आ जाएगी 10 अपनी औकात पे, कोई चक्कर नहीं, जाते वक्त न्यूट्रल लगा इस, तो एक दो नंबर पे चल रही है तो कितना ही तेल बचाएगी है। वैसे लोग कहें उन्होंने सारी जगह डाल दिया है, मतलब जिसको नहीं समझ आ रहा है सड़क पक्की कर दी है हर जगह से। पहुंच चुके देवीपिंडी भाई, जहाँ हमने गाड़ी लगाई ना इतना ट्रैफिक था कि मैंने शूट ही नहीं किया भाई कसम से, इतना आलसी आदमी मैं, लेकिन अब नज़ारे देखो यार, इसने बोला ये देखो भाई, अगर बंदा इधर से गिर जाए तो मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूँ कि अगर गिर जाए तो उसको 10 मिनट नीचे पहुँचने में लगेंगे, 10 मिनट ज़्यादा नहीं होगा बट जितने भी लगेंगे, बड़ी देर बाद पहुँचेगा नीचे वो, तो हम पैदल जाएंगे लेकिन वहाँ तक। वो उधर है भाई, वो जो दिख रहा है ना वहाँ पे, वहाँ नहीं क्या हम जाके वहाँ। और भाई यहाँ पे फॉग आ गई है बहुत ज़्यादा, इस बंदे की रंगत उड़ गई है, ये पीयूष जोशी हमारा, हेलो पीयूष, हेलो पीयूषी। तो भाई चलते हैं ना के आते हैं, चलो फाइनली भाई बड़ी मुशक्कतों के बाहर हम पहुँचने वाले हैं। आपको एक जगह दिखाऊं, ये देखो गाइस पानी देखो, हमारे आगे चल रहा है जनार्दन 23, उसके आगे चल रहा है हमारा पीयूष, और आगे देखो भाई शाहरुख खान का पोज बज रहा है भाई, मजा और हवा देखो, हवा हवा चेक करो, हवा आप कहाँ से चेक करोगे, चेक तो मैं करूँगा, हवा आप नहीं कर सकते। भाई देखो आइसक्रीम कौन, और भाई ये दुनिया की सबसे खतरनाक जिप लाइन जो अभी बंद है, मजाक करो भाई पानी की पाइप है, और व्यू चेक करें भाई आप, आइसक्रीम देखी उसको, देखो पीयूष को, अजीब ही मजे में है पुष्क, पीयूष कैसे फील आ रहा तेरे को, मजा आ रहा है कैसे है, इधर से जाएगा ठीक है। तो अच्छा तो चलो चलते हैं भाई, उधर के व्यू देखो पर चेक करो, आपको नहीं दिख रहे गाइस मेरे को देख रहे। तो भाई पसीना आ गया बहुत तेज, फ्रंट कैमरा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं मेरे फ़ोन का, महंगा फोन भाई। फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई देवीपिंडी में, हालत देख रहे हो भाई, कपड़े गीले हो गए पूरे, लेकिन अब हम खुद भी गीले होने वाले हैं, चेक करो भाई नीला नीला पानी और चीटी चीटी खाड़। और अभी हम जा रहे हैं भाई नहाने के लिए, नहाने की जगह लोकेशन हमने वो ढूंढी है क्योंकि पीयूष है ना हमारे साथ, गहरा हम जा नहीं सकते, और उस लोकेशन में जाएंगे भाई, बहुत ब्लू वाली ब्लू पानी है, मज़ा आ जाएगा नहाने में। और अभी मैं नहा गया था, स्लिप लगी थी मेरे को बहुत तेज भाई, क्या ही व्यू है,
सीनरी इंजॉय करो गाइस, क्या ही नज़ारे हैं, ओए होए सुंदर। हेलो गाइस, चाय पी लो। एक और हमारे साथ, ये देखो ये लिया है क्या मतलब जादू। वाटरफॉल देखना, ये देखो वाटरफॉल। तो गाइस फाइनली अभी हम नहा चुके हैं, बहुत मजा आया भाई, मेरा शोल्डर डूब गया भाई पानी में, स्विमिंग सीख रहा था जोर से प्रेस कर दिया भाई, हालत खराब हो गई है। एंड यहाँ पे नहा रहे हैं भाई, ये पीयूष पार्टी कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक मैड एंगल और ऐसा कुछ पहाड़ी है, पर ऐसे कुछ नज़ारा है भाई यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा गहरा है और ऊपर के नज़ारे तो काफ़ी अच्छे हैं और बादल लग चुका है यहाँ पे, तो अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे गहरा कम है तो हम सोच रहे हैं कि नीचे जाके स्विमिंग पूल में थोड़ा सा नहाएं, क्योंकि पीयूष को नहा लाना था, पीयूष किया नहा तो स्विमिंग पूल में नहाएंगे, थोड़ा गहरा है तो मज़े करेंगे, तो आपको सीधे जाके मैं व्यूज़ दिखाता हूँ वहाँ के, बाकी यहाँ के भी देख लो थोड़ी देर मस्ती, काफ़ी अच्छे सीनरी व्यू है। तो गाइस फाइनली हम नहा चुके हैं भाई, मज़ा आ गया कसम से, इतना ठंडा पानी था और क्या ही मज़ा आया, मतलब अभी हमारी टांगे भी एकदम ना अंदर अंदर से ऐसे बर्फ़ बन गई है, मज़ा आ रहा है निकल साहब से। तो आज यहीं तक था और बाकी इसने जो वीडियो बनाई है ना बड़ी मज़ेदार, वो आप चेक करना हमारे यूट्यूब चैनल पर, बाकी वहाँ पर फोटोशूट चल रहा है, ये हमारी नहान स्थल, छोटा लग रहा आपको लेकिन काफ़ी बड़ा है और नीचे भी काफ़ी ज़्यादा जगह है, आप यहाँ आओगे जगह की कमी आपको बिल्कुल नहीं होने वाली। और मौसम देखो यार, हमको लगता है घर जाके तक बारिश पड़ जाएगी, यहाँ से ठंडे होके जा रहे हैं और पूरे रास्ते बारिश, ऊपर से ठंड हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा, स्वाद आने वाला है। तो आप भी प्लान बनाओ, कल संडे है तो आओ यहाँ पे मज़े लो, इन्जॉय करो, वीकेंड चल रहे हैं, जून जुलाई की छुट्टियाँ हैं भाई, मज़े करो। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।